दोस्तों आज राजस्थान शिक्षा विभाग से कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आ रही हैं कि जो आरबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हैं 10वीं व 12वीं के, उनमें से 10वीं क्लास को तो प्रमोट किया जा सकता है लेकिन जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर नहीं हुई राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा तो 11वीं कक्षा में देना पड़ सकता है बोर्ड। ठीक है ना, देखो भाई ऐसा है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार को बड़ा दिल रखते हुए बच्चों को 10वीं व प्लस टू वालों को इब की बार प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे घर पर रहकर जब स्कूल वगैरह ही नहीं लग रही हैं तो बच्चे इतने अंतर्यामी नहीं हो सकते कि वो बिना टीचर के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सरकार में बैठे मंत्रियों को सोचना होगा कि जब भाई बच्चों को टीचर ही अध्यापक ही नहीं पढ़ा रहा तो बच्चों को भाई क्या याद होगा। तो इब की बार तो सरकार को अपना बड़ा दिल करते हुए बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि देखो परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखता है बच्चों का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। यदि बच्चों का कॉन्फिडेंस इसी समय गिर जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के ऊपर जिस प्रकार का एक मानसिक तनाव आ रहा है उसको झेल पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों की लाइफ का ही पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सरकार को बड़ा फैसला करना चाहिए और निश्चित रूप से उन्हें छूट देते हुए 10वीं व 12वीं के बच्चों को बिल्कुल प्रमोट कर देना चाहिए। ठीक है, ये मेरी खुद की एक अनुभव है, मैं इतना कहता हूँ और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा बच्चों को।